नमस्कार दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों 118 सालों से कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार खोला नहीं गया है? कोणार्क मंदिर का चुंबकीय रहस्य क्या है? कोणार्क मंदिर में क्यों पूजा नहीं किया जाता है? मंदिर का रोचक तथ्य क्या है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप सबों से अनुरोध है, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों और मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक रहस्यमय मंदिर कोणार्क के बारे में। अनुरोध है कि पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क में 13वीं शताब्दी का एक सूर्य मंदिर है, जो पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व ओडिशा, भारत में समुद्र तट पर स्थित है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों को मिलाकर बना है। अर्क का मतलब है सूर्य तथा कोण का अर्थ है कोने या किनारे। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार के पुत्र ने राजा द्वारा उसके पिता के बाद इस निर्माणाधीन मंदिर के अंदर ही आत्महत्या कर ली, जिससे बाद से इस मंदिर में पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी 1238-1264 में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बिरंची नारायण कहते थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब उनके श्राप से कोढ़ रोगी बन गए थे। क्यों 118 सालों से कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार खोला नहीं गया है? साल 1903 था और वो जगह थी उड़ीसा, और मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेंपल था। उसी वर्ष कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया था, जो पूरी तरह से रेत और बजरी से ढका हुआ था। इस घटना को लगभग 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देता है। फिर आपके मन में भी प्रश्न होता होगा कि यहाँ दरवाजा बंद क्यों है? आप इस मंदिर क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की भव्यता और रहस्य इस मंदिर के बीच में मुख्य द्वार के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह मंदिर अधूरा है। यह अधूरा मंदिर ही इसकी खास बात है। यह मंदिर शापित है। सैकड़ों वर्षों तक यह मंदिर रेत में दबा रहा। मंदिर से 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पी ने आत्महत्या कर ली थी। यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर से नर्तकियों की आवाजें आती हैं। ऐसे कई राज हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, लेकिन फिर भी मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि भारत सरकार अक्सर इतनी मेहनत करके मुख्य दरवाजा खोलने का फैसला बदल देती है। क्या भारत सरकार भी छिपाना चाहती है? यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण वो देश के 10 सबसे बड़े मंदिरों में शामिल होना चाहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरे उड़ीसा शहर से लगभग 23 मील दूर नीले पानी की पसंदीदा चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक रथ के सामने 12 राक्षस हैं और उसके साथ शक्तिशाली बड़े घोड़े खींचे जा रहे हैं, और इस रथ पर सूर्य देव को बैठे हुए दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर से उगते और डूबते सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, मानो सूर्य का लाल रंग पूरे मंदिर में फैल गया हो। मंदिर के आधार को सुशोभित करने वाले 12 चक्र वर्ष के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक दिन के 8 पहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा क्यों नहीं की जाती? भारतीय इतिहास में नजर डालने पर जानकारी मिलती है कि राजा नरसिंह प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 शिल्पकारों को नियुक्त किया था।
जिसे वास्तुकार महाराणा बिसु के निर्देश में बनाया जाना था। राजा नरसिंह ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 12 वर्षों के समय का निश्चित किया था, जिसके तहत मंदिर का कार्य इसी 12 वर्षों की निश्चित समय के भीतर पूरा होना था, अन्यथा राजा सभी शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। मंदिर के निर्माण का कार्य सुनिश्चित ढंग से हो रहा था। समय बीतता गया, मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, बस मंदिर के मुख्य शिला का काम बाकी था। 12 वर्ष पूर्ण होने में अभी भी 6 माह का समय था। मंदिर के मुख्य शिला का कार्य प्रगति में था। समय बीतता गया, अब मंदिर के मुख्य शिला को मंदिर में स्थिर स्थापित करने का कार्य किया जाना था, परंतु अनेकों प्रयासों के बाद भी सभी शिल्पकार मंदिर के मुख्य शिला को स्थिर स्थापित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे समय और नजदीक आने लगा। सभी शिल्पकार और महाराणा बिसु गहरी सोच पड़ गए थे। तब वहां महाराणा बिसु का लड़का आता है। वो लड़का अपने पिता और बाकी लोगों के चिंता का कारण पूछता है, जिस पर महाराणा बिसु लड़के सारी व्यथा सुनाते हैं। तत्पश्चात लड़के ने अपने कहे अनुसार सभी को कार्य कहा। लड़के के निर्देशानुसार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित करने का कार्य सफलता पूर्वक किया गया। मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। सभी शिल्पकार बेहद खुश हुए, परंतु अभी भी महाराणा बिसु चिंता में थे। दरअसल महाराणा बिसु को इस बात का डर था कि राजा को जब पता चलेगा कि सभी शिल्पकारों को मंदिर के मुख्य शिला को स्थिर करने में एक 12 वर्ष के लड़के की सहायता लेनी पड़ी, तो राजा सभी 1200 शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। और चिंतायुक्त महाराणा बिसु मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। मंदिर के मुख्य वास्तु शिल्पकार महाराणा बिसु के इस तरह आत्महत्या करने की घटना से सभी नगरवासी इस विशाल भव्य मंदिर को अपवित्र बताने लगे, और तभी से अब तक कोणार्क सूर्य देव के मंदिर में पूजा नहीं की गई। कोणार्क मंदिर का चुंबकीय रहस्य क्या है? कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किए गए सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य कम ही लोग को मिल पाता है। भारत के इस ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। कहते हैं कि इस मंदिर में 52 टन का विशालकाय चुंबक लगा हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। यह पत्थर समुद्र की कठिनाइयों को कम करता था, जिसकी बदौलत मंदिर समुद्र के किनारे सैकड़ों दशकों से खड़ा हुआ है। एक समय ऐसा भी था जब मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबकों के साथ इस तरह की व्यवस्था से सजाया हुआ था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी, लेकिन मंदिर की ये ताकतवर चुंबकीय व्यवस्था आधुनिक काल की शुरुआत में समस्या बनने लगी। चुंबकीय शक्ति इतनी तेज थी कि पानी के जहाज मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। अंग्रेजों के काल में जब उन्हें नुकसान होने लगा तो उन्होंने मंदिर के अंदर लगे इस चुंबक को निकाल दिया, लेकिन ऐसा करने से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर की कई दीवारें और पत्थर गिरने लगे। मंदिर का रोचक तथ्य क्या है? इस मंदिर को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वे भारत के बाहर से लाए गए थे। संभवतः अन्य देशों से पत्थर लाने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता था। इससे पता चलता है कि भारत उस समय भी अन्य देशों के साथ व्यापार करता था। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 प्रकार के पत्थरों अर्थात क्लोराइट, लेटराइट और खोंडेलाइट का उपयोग करके बनाया गया था। यूरोपीय नाविकों द्वारा मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का रंग काफी गहरा था और नाविकों के लिए ये एक प्रमुख मील का पत्थर था। सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर आप प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 शेर देख सकते हैं, जो एक एक हाथी को कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर हाथी के नीचे एक इंसान है। यहाँ शेर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और हाथी धन का प्रतिनिधित्व करता है। यह सच है कि मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडहर हो चुका है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि भारत में शासन करते समय मुसलमानों ने उन्हें नष्ट कर दिया था, लेकिन कारण अभी भी अज्ञात है। इसके अलावा जो मंदिर आज है वो सिर्फ ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण प्रयासों के कारण मौजूद है।
12 जोड़ी पहिए कोणार्क सूर्य मंदिर के 12 पत्थर के नक्काशीदार पहिए साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के तल पर पाए जाने वाले ये पहिए समय को भी दर्शाते हैं। पहिए की तीलियां एक धूप घड़ी का आकार बनाती हैं। पहियों द्वारा डाली गई छाया को देखकर दिन के सही समय की गणना की जा सकती है। जोड़ी के दो पहिए एक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को परिभाषित करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।